Friends, this cabinet I have purchased 8 months before. This is Circle Gaming 821 black ATX tower case with transparent side panel and steel black body. आप इसका जो model number था वो ये CC821 ये था, और अभी इसका जो cost है वो कुछ कम हो चुकी है. जब मैंने इसको purchase किया था तो इसकी cost कुछ ज़्यादा था. क्या फीचर अवेलेबल है अभी पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पैकिंग तो ठीक ठाक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं मार्क नहीं है कोई. एक ये है, ये भी टेम्परेरी है एक साइड में, ये भी ठीक है. क्या इसके फीचर रहे हैं और फीचर्स को यहाँ अगर देखते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट साइड पैनल विथ 5 LED फैन ऐसा लिखा हुआ है. Compatible with professional gaming and high-end graphics, easy access ports in front, 100% Hamid refined work and sturdy structure, capable of extension multi-fans for heat dissipations, form factor ATX micro, और gross weight अभी जो मिल रहा है वो 6.69 kg के point of view. मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ इसकी जो साइड है, पहले मैं आपको दिखा दूँ एक्चुअल जो इसकी वीडियो है कि ये दो फैन इसके सामने लगे हुए हैं, दो फैन ऊपर की साइड में और एक फैन ये, तो टोटल 5 फैन यहाँ पे लगे हैं एलईडी के साथ में, और ये रेड कलर की एलईडी है. ये थर्मोकोल में तरीके से पैक है, और दूसरी साइड ये अभी जो इसके साथ में जो अवेलेबल है ये आप इसको देख सकते हैं इस साइड से. यहाँ जो फैन लगे हैं ये 2 फैन है टॉप साइड में, और इस साइड में जो है ये देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट साइड है, और फ्रंट साइड में यहाँ पे ये फिनिशिंग आप देख सकते हैं, फिनिशिंग भी ठीक है, ऐसा है अच्छी क्वालिटी अभी दिखाई पड़ रही है. तो यहाँ जो अभी अवेलेबल है तो एक फैन ये यहाँ अवेलेबल है बैक साइड में, और 2 फैन ये टॉप पर अवेलेबल है, एक फैन ये और एक ये. और यहाँ जो डिफरेंट सेगमेंट मिले हैं उन सेगमेंट्स में जो केबल हैं आपके, ये केबल अवेलेबल हैं यहाँ कनेक्टर जो इसके यूज के साथ में, एक सेकंड वन, तो ये सभी अवेलेबल हैं जो मेंशन किए थे वहाँ उस जगह फैन वगैरह के लिए. तो 1 फैन और ये सेकंड फैन, थर्ड तो ये रहा सर्कल जो गेमिंग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका राइट. तो पूरा ये जो बॉक्स है तो यहाँ ये आप इस वे में आप इसको देख सकते हैं, ये 2 फैन, तो इस ग्लास से वो लाइट यहाँ निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं, और ये पार्ट रहा उसका जो दो फैन मैं ऊपर की साइड बोल रहा था, एक फैन ये पीछे की तरफ है और राइट. तो इस तरीके से ये दिखाई पड़ता है वो देख लें. और यहाँ स्पेसिफिकेशन में उन्होंने लिखा कंपेटेबिलिटी मदरबोर्ड ATX माइक्रो ATX एक्सटर्नल 5.25 इंच ड्राइव बेस, 3 इंटरनल 3.5 ड्राइव बेस इनसाइड SSD के लिए, ग्राफिक्स कार्ड लेंथ अप टू दिस वन. ये सब फीचर तो अवेलेबल हैं, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अभी तक फैन की कोई आवाज़ नहीं आई है, किसी भी फैन की कोई आवाज़ नहीं है. यहाँ बेसमेंट में आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड के लिए ये आपके इसके 4 लेग्स यहाँ पर गिवन है, तो नीचे की साइड काफ़ी स्पेस रहता है. तो ये एक तो मेजर पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट ये जो फैन की कोई आवाज़ नहीं है, ये तो वीडियो जब शूट करते हैं तो अभी भी ये चल रहा है तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं है.